यहां पर मैं फिल्मों की बात करने वाला हूं। हर कोई जो है एक से बढ़कर एक लेटेस्ट जो नई फिल्में आती हैं उनको देखना पसंद करता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। मैं भी जो है जो बार बार रिपीटेड होते रहते हैं उनको देखना पसंद नहीं करता हूं। कोई नई मूवीज आती हैं जो नई अभी थिएटर्स में लगी हुई है, 2 से 3 महीने के बाद टीवी पर भी टेलीकास्ट की जाती है, तो उन मूवीज को देखना हम पसंद करते हैं और आप लोग भी उन्हीं को देखना पसंद करते होंगे। टीवी पर देखिए काफ़ी टाइम लग जाता है इन मूवीज़ को आने पर, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं अपना टाइम जो बिताते हैं वो स्मार्टफोन पर बिताते हैं। तो आज मैं कुछ एप्लीकेशंस को लेकर आया हूँ, 5 ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको लेटेस्ट फिल्में बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेंगी। वैसे बहुत सी एप्लीकेशन हैं जिन पर मूवीज़ दिखाई जाती हैं, लेकिन उनका जो है सब्सक्रिप्शन पैक लेना होता है, मंथली रेंटल देना होता है, मंथली या क्वार्टरली या 6 मंथ का जो भी आप लोग पैक लेना चाहें तो वो पैक लेना पड़ता है, तभी जो है आप लोग वहां पर मूवीज देख पाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं 5 ऐसी एप्लीकेशन की बात करूंगा जिन पर आप जो है बिल्कुल फ्री में देख पाएंगे, ठीक है। और बहुत जेन्युइन एप्लीकेशन है, ऐसी नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। गूगल प्ले स्टोर से आप इनको डाउनलोड करेंगे, अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करेंगे और आप जो मूवीज हैं वो बिल्कुल फ्री में देख पाएंगे। कोई पैसा नहीं आप लोगों को देना है और लेटेस्ट होंगी, हॉलीवुड की भी होंगी उसमें, बॉलीवुड की भी होंगी, सभी तरह की मूवी जो है अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वो सभी तरह की मूवीज वहां पर दिखाई जा रही है। सबसे पहले जो एप्लीकेशन है मैं बता देता हूँ भाई, वो है जियो सिनेमा। मैं कहना चाहूँगा कि भाई इंडिया की, पूरे इंडिया की नंबर 1 एप्लीकेशन है भाई जियो सिनेमा, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली एप्लीकेशन है, जिसको सबसे ज़्यादा डाउनलोड भी किया गया होगा मेरे हिसाब से। वैसे मैंने चेकिंग नहीं की है डाउनलोडिंग के बारे में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली एप्लीकेशन मुझे लग रही है वो जियो सिनेमा ही है। यहाँ पर एक तो देखिए स्पोर्ट्स इवेंट जो भी आते हैं जिसके राइट्स आपके वाईकॉमेटी नेटवर्क के पास हैं, वो लाइव फ्री आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और इसके साथ साथ लेटेस्ट एक से बढ़कर एक मूवीज़ आपको जियो सिनेमा पर देखने को मिलेगी। कलर सिनेप्लेक्स जो आपका वाईकॉमेटी नेटवर्क का मूवीज़ का चैनल है, जो वहाँ पर वर्ल्ड टीवी प्रीमियर फिल्में की जाती हैं, वो मूवीज़ वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होने से पहले ही आप लोगों को जियो सिनेमा एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएंगी। अगर आप लोगों के पास जियो का कॉन्टैक्ट नंबर है, जो भी आप लोगों ने सिम ले रखी है जियो के लिए रखी है, तो वहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में लॉगिन कर सकते हैं जियो की सिम के साथ, या फिर अपने अपने परिवार में किसी का भी अगर जियो का नंबर है तो उनका नंबर जो है अपने मोबाइल में डालिए। अगर आप लोगों के पास दूसरा नंबर है तो आप लोग जियो सिनेमा बिल्कुल चला सकते हैं, अपने एंड्रॉयड टीवी में चला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है यूज़ कर सकते हैं जियो सिनेमा का। मान लीजिए किसी के पास भी अपने आपकी फैमिली में किसी के पास भी जियो का नंबर है तो स्मार्टफोन या एंड्रॉयड टीवी में उनका नंबर डालिए, OTP जो है उनके मोबाइल से लीजिए और आप जो है जियो सिनेमा का आनंद बिल्कुल फ्री में ले पाएंगे। कोई पैक जो है यहाँ पर एक्टिवेट नहीं करना है। सेकेंड एप्लीकेशन जो है एयरटेल की ही है, इसी तरह जियो सिनेमा की तरह ही, एयरटेल एक्सट्रीम। जी हाँ, एयरटेल एक्सट्रीम भी भाई बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। यहाँ पर अगर आप लोगों के पास एयरटेल का DTH है, यहाँ पर देखिए थोड़ा इसको मैं कहूँगा इसमें फंडा कुछ अलग सा है, ये एक तरह से फ्री में नहीं पड़ने वाली है। अगर आप लोगों के पास एयरटेल का DTH है या ब्रॉडबैंड है तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप लोगों ने वहाँ दिया होगा उस नंबर से जो है इसको एक्टिवेट करना होगा, और अगर आप लोगों ने एयरटेल DTH एक्टिवेट करा रखा है या एयरटेल ब्रॉडबैंड एक्टिवेट करा रखा है तब तो जो है आप लोग वहाँ पर उस एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री में देख पाएंगे। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आपको लोगों को वहाँ पर पैक लेना होगा 149 पर मंथ का भाई, वहाँ पर भी आपको बहुत सी लेटेस्ट मूवी देखने को मिल जाती हैं। अगर आप लोगों के पास एयरटेल का है, एयरटेल DTH है या ब्रॉडबैंड है, कुछ इस तरह की सर्विस है भाई एयरटेल का, तो मतलब फंडा अलग है, लेकिन जियो सिनेमा बेस्ट है, बिल्कुल फ्री है। थर्ड एप्लीकेशन मैं बता देना चाहता हूँ हॉटस्टार, स्टार नेटवर्क की है भाई ये, डिजनी प्लस हॉटस्टार जिसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोगों को जो स्टार नेटवर्क के TV सीरियल्स हैं या फिर जो स्पोर्ट्स इवेंट हैं स्टार स्पोर्ट्स के, जो अभी फ्री में एशिया कप दिखा रहा है भाई और ICC वर्ल्ड कप भी बिल्कुल फ्री में दिखाया जाएगा, ये मुझे लगता है कि जियो सिनेमा के बाद सेकंड नंबर की एप्लीकेशन होने जा रही है भाई डिजनी प्लस हॉटस्टार, और बहुत अच्छी एप्लीकेशन है भाई। वैसे इसमें सब्सक्रिप्शन पैक भी लेना पड़ता है, लेकिन आजकल डिजनी हॉटस्टार क्या कर रहा है, जैसे कि इन्होंने स्पोर्ट्स इवेंट दिखाना फ्री में शुरू कर दिया है, तो मूवीज़ अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर बहुत सी मूवी, चलिए सब्सक्रिप्शन पैक के साथ भी होंगी, लेकिन बहुत मूवीज़ यहाँ पर बिल्कुल फ्री देखने को मिल रही हैं। मैंने कल ही अपने स्मार्ट टीवी पर चेक किया है, पहले जो है इनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था, लेकिन अब जो मूवीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही हैं भाई हॉटस्टार के अंदर वो बिल्कुल फ्री दिखाई जा रही हैं। मैंने विक्रांत रोना, साउथ की मूवी है, हिंदी में डब जो है आपको हॉटस्टार पर ही, मैंने कल उसको देखा है भाई विक्रांत रोना, बड़ी ज़बरदस्त मूवी थी, अच्छी थी और मज़ा आया भाई मूवी देखने में, और बिल्कुल
फ्री चली हुई थी भाई वहाँ पर, और बहुत सी मूवीज़ हैं लेटेस्ट हॉटस्टार पर जो बिल्कुल फ्री में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद फोर्थ एप्लीकेशन पर आते हैं भाई, फोर्थ एप्लीकेशन है एमएक्स प्लेयर। एमएक्स प्लेयर तो आप लोगों को पता ही होगा बिल्कुल फ्री है। पहले जब ये लॉन्च हुई थी तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट्स भी बहुत कम दिखाई जाती थी, और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पैक भी एमएक्स गोल्ड नाम का सब्सक्रिप्शन पैक बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था। अब तो इन्होंने सब्सक्रिप्शन पैक भी जो है यहाँ पर लागू कर दिया है, ठीक है, लगभग 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से, मतलब जो मूवीज़ के बीच में एड्स आती हैं वो जो है आप रिमूव कर सकते हैं अगर आप सब्सक्रिप्शन पैक लेना चाहें। अगर एड्स से कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोगों को मूवीज़ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेंगी वहाँ पर। हॉलीवुड की भी अवेलेबल हैं भाई, और बॉलीवुड की भी सभी तरह की जो है एमएक्स प्लेयर पर मूवीज़ देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा वेब सीरीज देखने को मिल जाएंगी एक से बढ़कर एक, ठीक है। सो एमएक्स प्लेयर भी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है भाई, जहाँ पर आप लोग सब कुछ फ्री में देख सकते हैं। इसके अलावा फिफ्थ एप्लीकेशन की बात करूँ तो फिफ्थ एप्लीकेशन है अमेज़ॉन की भाई। अमेज़ॉन जो कि एक शॉपिंग एप्लीकेशन है, तो वहाँ पर आपको अमेज़ॉन मिनी टीवी देखने को मिलता है, या तो अगर आप लोगों ने शॉपिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है तो वहाँ पर भी मिनी टीवी उसी के अंदर देखने को मिल जाएगा, या फिर अलग से प्ले स्टोर से अमेज़न मिनी टीवी भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर देखिए फिलहाल मूवीज़ तो नहीं दिखाई जाती हैं, हाँ शॉर्ट फिल्म्स जरूर हैं यहाँ पर, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट्स की अवार्ड विनिंग शॉर्ट मूवीज़ हैं भाई वहाँ पर अमेज़न मिनी टीवी पर। इसके अलावा वेब सीरीज बहुत अच्छी अच्छी देखने को मिल जाती हैं, और इसके अलावा मैं बता देता हूँ जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ अमेज़न मिनी टीवी के लिए ही हैं, रियलिटी शोज़ जैसे कि केस तो बनता है, कॉमेडी शो है भाई वो भी वहाँ पर देखने को मिलता है, और अभी हाल ही में जो प्रेजेंट में चला हुआ है भाई हिप हॉप एक डांस रियलिटी शो चला हुआ है, ठीक है, और बहुत अच्छा शो ये भी जा रहा है, ये भी आप लोग जो है अमेज़न मिनी टीवी पर बिल्कुल फ्री देख सकते हैं, कोई इसका पैसा नहीं देना है। तो टोटल ये 5 एप्लीकेशन जो कि आप अपने मोबाइल पर या अपने एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी पर बिल्कुल फ्री में लेटेस्ट मूवी के साथ, लेटेस्ट वेब सीरीज के साथ, लेटेस्ट स्पोर्ट इवेंट्स के साथ। स्पोर्ट्स इवेंट्स की बात करूँ तो डिज्नी हॉटस्टार का जो स्पोर्ट्स है वो तो सिर्फ मोबाइल पर ही फ्री चलेगा भाई, स्मार्ट टीवी पर फ्री नहीं चलेगा। जियो सिनेमा का जो स्पोर्ट्स है वो आपके स्मार्ट टीवी पर भी फ्री चलेगा और मोबाइल में भी फ्री चलेगा, ठीक है। सो अपडेट से ही अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे अपडेट्स लेते रहने के लिए। धन्यवाद।